अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का व्लॉग हम लोग शुरू कर रहे हैं अब्दुल्ला के सुबह उठने से। और सबसे पहले अब्दुल्ला ने चलाई है वॉकर। इसका मूड कोई ख़ास नहीं था चलाने के लिए, वो एक जगह बैठ के एंजॉय कर रहा था इन डेटल्स के साथ। फिर उसके बाद मैंने और मेरी सास ने गर्म पानी के साथ लेमन लिया, और फिर उसके बाद मैं अब्दुल्ला के लिए दूध और मैंने और मेरी सास ने गर्म पानी के साथ लेमन लिया। और ये मैं अब्दुल्ला के लिए दूध लेकर जा रही हूँ, और जितना मैं आगे जा रही हूँ वो बेचारा आगे आने के बजाय पीछे की तरफ चलता जा रहा है। उसको पता ही नहीं चल रहा कि उसको किस तरफ चलना है। और इसके बाद अब्दुल्ला ने अपना फीडर ख़त्म किया और मैंने अपना पानी ख़त्म किया। इसके साथ साथ फिर इसके बाद मैंने की नाश्ते की तैयारी, और मैंने गूंदा आटा, और एक तरफ दूध आ चुका था, दूध को किया गर्म। और अब्दुल्ला के लिए एक अलग से हम गाय का दूध मंगवाते हैं, उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड करते हैं और सौंफ के साथ डाल के उसको उबालते हैं। और फिर ये मैंने आटा गूंदने के बाद बनाई रोटियां, और ये नाश्ते की हो गई तैयारी। फिर आज हमने बनाई थी भिंडी, तो उसके साथ हमने रोटियों को चुपड़ा, और चुपड़ने के बाद हमने उसको किया रैप और रख दिया हॉटपॉट में। अब ये मैं अब्दुल्ला के लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। रोटी को छोटा छोटा छोटे छोटे पीसेस में करके, हम उसे चूरी कहते हैं, आप पता नहीं क्या कहते होंगे, चूरी करके और चाय उसमें डाल के उसको रख दिया था। और फिर मैंने कराया अब्दुल्ला को नाश्ता, फिर उसको किया नहलाया, और फिर नहलाने के बाद मैंने उसकी किए कपड़े चेंज, और फिर उसके साथ की बहुत सारा मस्ती। फिर अब्दुल्ला के पापा का दिल था कि उसको ग्लासेस लगा के हम उसकी पिक्चर बनाएं, बट बच्चे तो पिक्चर्स बनवाते ही नहीं हैं। उसको क्लासेस इतना पसंद आ रहा था कि वो उसको खींचता ही रहा। फिर अब्दुल्ला ने किया मैंगो को फर्स्ट टाइम टेस्ट, तो वो बहुत ज़्यादा खुश था, और उसकी कोशिश थी कि पूरा आम उसको ही दे दिया जाए, तो फिर उसके और उसके बाबा की होगी लड़ाई। सब बच्चे को भी खिलाते होते हैं, खुद ही खा जाते। फिर उसने की अपनी कज़न के साथ ये सारी बातें, और उसके बाद भूख थक गया था तो सो गया। फिर मेरी भाभी ने भेजी थी वीडियो कि उन लोगों ने अपने घर के लिए लिया है फर्नीचर, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत फर्नीचर है, अल्लाह ताला उनको नसीब करे। और कंग्रेचुलेशन आप दोनों को, अगर आप दोनों वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन। फिर उसके बाद पूरा दिन गुजर गया, और हुई बहुत ज़्यादा आंधी आई, और हुई बहुत ज़्यादा बारिश। तो अब्दुल्ला के बाबा का शहजाद का दिल कर गया कि आज हम लोग खाते हैं फ्रेंच टोस्ट, तो हमने की फ्रेंच टोस्ट की तैयारी, और फ्रेंच टोस्ट की जब तैयारी कर ली, और ब्रेड हमने दो तीन ही काटी थी, तो पता चला गैस जा चुकी है, तो और हमारे सारे इरादों पे फिर गया पानी। और फिर उसके बाद हमने कर ली सोने की तैयारी, और ये अब्दुल्ला सो गया है, उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।